आजम खान के लिए एक और मुश्किल। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर इस वक्त कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के तौर पर प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की दीवार तोड़ दी है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो जौहर यूनिवर्सिटी जो कि लंबे समय से विवादों की वजह से घिरी हुई है, जिसे आजम खान चलाते हैं, और अब इस वक्त प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ी कार्रवाई जो कि यूनिवर्सिटी के एक दीवार को तोड़ी गई है। हमारे सहयोगी फहीम फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। फहीम, वजह क्या रही दीवार की तोड़े जाने की? देखिए, ये आज जो है मोहम्मद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर बहुत बड़ी प्रशासन की कार्रवाई हो रही है, चल रही है। जौहर यूनिवर्सिटी की जो आलियागंज के गांव की साइड वाली दीवार थी उसको तोड़ा गया है। जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर जो 26 किसानों की जमीन थी उस जमीन को किसानों को दिया गया था और उसका जो रास्ता 17 बीघे का रास्ता था उस रास्ते को देने के लिए इस दीवार को तोड़ने की नापतोल पिछले हफ्ते कराई गई थी। नापतोल में जिस जगह वो रास्ता निकल रहा था उस रास्ते को दिया जा रहा है। दरअसल इस रास्ते की बात भी मैं आपको बता दूं कि इस रास्ते को भी जो चक्रोड और रास्ते थे उन रास्तों को जौहर यूनिवर्सिटी को दिया गया था इस जमीन के साथ। जो जमीन इनको दी गई थी जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस टाइम में नियम अनुसार इस जमीन और इन चक्रोटों को इन रास्तों को दिया गया था जौहर यूनिवर्सिटी को। लेकिन अब उस जौहर यूनिवर्सिटी के उस आदेश को कैंसिल कर दिया गया है, वो चक्रोट वापस ले लिए गए और उसको किसानों को दिलाने के लिए उन जमीनों को। शुक्रिया फहीम इन तमाम जानकारी के लिए।